बोर्ड तो हम सब लोग अब यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे आर्डिनो बोर्ड की जिसमें आर्डिनो के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें हैं। ये है मेकर यूनो, ये एक वेबसाइट है साइट्रॉन.io, उस पर आपको ये मिल जाएगा। नहीं तो काफ़ी इंडियन वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इसकी खासियत बहुत है, ये नाम ही पहले इसका अलग है, मेकर यूनो। इसमें हम देखेंगे सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हर डिजिटल पोर्ट के लिए एक एलईडी दी गई है। जैसे ये डिजिटल पोर्ट के लिए, आप जैसे आर्डिनो है, ये इसमें कोई एलईडी नहीं है। अगर हमें इसमें एलईडी चलानी है तो हमें बाहर से एलईडी अलग से जोड़नी पड़ेगी, बट इसमें मेकर यूनो में एलईडी पहले से ही साथ में सबके हर डिजिटल के पैरल पोर्ट के पैरल में एक एलईडी है। तो डिजिटल पोर्ट पर कब सिग्नल 0 आ रहा है, कब सिग्नल 1 आ रहा है, ये हमको आराम से पता चल जाएगा। हमको मल्टीमीटर से नापने की या फिर कोई और किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसका फ़ायदा ये है, कहीं वही हम कहीं पर हमें कुछ चेक करना है कि वोल्टेज मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या हो रही है, वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम इससे, क्योंकि एलईडी का इंडिकेशन है, हम बड़े आराम से इसमें चेक कर सकते हैं। एलईडी जली है, इसका मतलब आ गई है वोल्टेज। एलईडी नहीं जली है, इसका मतलब नहीं आई है वोल्टेज। फिर इसके बाद क्या है कि इस जो ये किट है, इसके साथ में हमको स्टिकर भी मिलता है। स्टिकर के साथ साथ हम देखेंगे कि हर स्टिकर को हम लोग, ये जो हेडर पिन है इस पर हम चिपका सकते हैं हर स्टिकर को, तो हमको अलग से भी एक लुक एंड फील अच्छा आ जाता है इसका। हर हेडर पिन पर एक स्टिकर लगा हुआ है, वो एक अच्छी बात है। तीसरी बात ये है कि इसके पीछे खाली जगह बनी हुई है, रफ वाइट बैकग्राउंड में रफ जगह बनी हुई है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपका बोर्ड है ये, तो आप इसको बोर्ड कर अपना नाम लिख सकते हो, या फिर आपने इस बोर्ड को किसी प्रोजेक्ट में यूज़ किया है और किसी प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो आप इसमें उस प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो ये बोर्ड है ये मिक्सअप नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारे आर्डिनो के बोर्ड होंगे और हर बोर्ड में आप अलग अलग काम करते होंगे। लेकिन यहाँ पर पीछे जो ये जगह दी हुई है, ये इस पर आप सीधे अपना नाम लिखोगे या फिर जिस प्रोजेक्ट के लिए इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो लिखोगे, आप आराम से इसको पहचान सकते हो। छोटे से प्यारे डब्बे में आता है ये, उस डब्बा भी बिल्कुल आर्डिनो के साइज का ही होता है। हम इसको डब्बे में लगे लगे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इसके कनेक्शंस की बात करें तो इसमें आर्डिनो से और भी बहुत कुछ ज़्यादा है। नॉर्मल आर्डिनो हो गया, ठीक है, इसके साथ में आर्डिनो के अलावा इसमें बज़र भी है। आप देखेंगे बज़र, इसमें एक ऑन बोर्ड बज़र भी है, प्लस इसमें एक बटन, अलग से प्रोग्रामेबल बटन है। रिसेट का बटन तो एक है ही, उसके अलावा एक प्रोग्रामेबल बटन है। और इसमें एक, जैसा कि सब में ही होता है, जैसे पूरे आर्डिनो में भी है, इसमें एक जो है USB टू RS-232 कन्वर्टर है, जो कि CS3480 के IC पर है, और इसका हमें ड्राइवर आराम से मिल जाएगा इन्हीं की साइट पर, यहीं पर इनको ड्राइवर मिल जाएगा। नहीं तो गूगल भी करोगे ना आपके इसका ड्राइवर, तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये वो कॉमनली IC है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। RX के TX के LED है, ये स्विच दिया हुआ है, आपको बजर को म्यूट करना है, चालू करना है, ये आप कर सकते हो। अब यहाँ थोड़े और इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं या और डिफरेंसेस हैं, आप खुद देखो इसमें और मेकर यूनो में LEDs का अंतर है। हर डिजिटल पोर्ट पर एक LED है, तो आपको क्या है कि अलग से LED लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको किस पिन पर क्या आ रहा है, कौन सी वोल्टेज मिल रही है, वो आप आराम से देख सकते हो। माइक्रो कंट्रोल सब कुछ सेम, माइक्रो कंट्रोल सेम है, सब कुछ सेम है, बस एक ये है कि इसमें DC का जैक नहीं होता। जैसे आर्डिनो में हमारे 12 वोल्ट के लिए अलग से या 9 वोल्ट के लिए अलग से एक जैक होता है, हम उसमें जैक में लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जैक नहीं होता, इसमें सिर्फ USB की ही सप्लाई होती है, ये इसका एक है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हम जैक नॉर्मली ही यूज़ करते हैं, मतलब हम रेयरली, नॉर्मली नहीं, रेयरली हम रेयरली ही इस जैक को यूज़ करते हैं। हम तो सीधे USB से ही ड्राइव करते हैं, जो ज़्यादा हमारे लोड होते नहीं है। ज़्यादा लोड अगर होता है तो वो जो IC है जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं उसको ड्राइव करते हैं हम केबल से।
एडाप्टर से। और इसमें जो 3.3 वोल्ट है वो, अगर 3.3 वोल्ट का जो आउटपुट है या फिर कहो जो रेगुलेटर है वो आर्डिनो में सिर्फ 50 मिली एम्पियर का है, इसमें 500 मिली एम्पियर का है। यूएसबी टू सीसी सीरियल कन्वर्टर CH340G का है। इस हैं प्रोग्रामेबल पुश बटन है और पीजो बजर है, ये सब आपको नॉर्मल जो आर्डिनो है उसमें नहीं मिलता है। ये उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है मैं है वो भी अच्छा करते ही हैं, हम करते ही आए हैं यूज, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, हमें अलग से ज़्यादा कुछ कम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी।